So today is 15th August और अब हम जा रहे हैं हर्ष गुजराल आज हम जा रहे हैं पहली बार स्टैंड अप शो देखने और स्टैंड अप देखने हम बाद में जाएंगे, पहले हम जा रहे हैं एम्बियंस मॉल, वहाँ जाके थोड़ी वाइब चेक करते हैं और फिर चलते हैं हर्ष गुजराल के पास। शो का क्या नाम है वो? जो बोलता है वही होता है। क्या बोलता है? वो हर्ष गुजराल बताएगा। अब हमारा खाना आ चुका है और हम काफी लेट हो चुके हैं शो के लिए, तो हम फटाफट खा के निकलते हैं। अभी तक तो इतना नहीं हो रहा था, अब एकदम से 10 मिनट रह गए ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। एक तो थोड़ा लेट भी हो गया ना, देखते सीट कैसी मिलती है, कहाँ मिलती है। And the show continued and we really enjoyed a lot. But the best part was, it was 15th August and Harsh bhai requested the audience for this. Are you guys ready? एक मिनट की बात है, जरा बैठो। सब गाओगे फिर देखो, कोई बकचोदी नहीं होगी। मैं तो फुल एक्सप्रेशन से गाने वाला हूँ, ठीक है? Are you guys ready? Yes. हाँ, थोड़ा मेरे मन में आई थी कि जरा फील आ जाएगी। ओए एक्टर, ध्यान से। शो के बाद सबने वेट किया और लाइन में लग के हर्ष भाई के साथ फोटो खिंचाए। जो बोलता है वही होता है। आज कुछ चीज़ें हमारी वैसे भी क्लियर हो गई कि स्टैंड अप शो के बाद आप इजीली फोटो क्लिक करा सकते हैं ना भाई। हाँ, पूरा ट्राई लग रहा है भाई, पूरी एल्बम बनवाई है हर्ष के नाम के साथ। मतलब इतना हम्बल बनता है ना, मतलब हम्बल बहुत था।
मतलब प्रॉपर आपको वो टाइम देंगे, एक फोटो खिंचवानी एक खिंचवाओ, दो खिंचवानी दो खिंचवाओ, बट मजे आ गए। बट किस खिंचवानी बढ़ता है, मतलब वीडियो बनानी है, बूमर गैंग बनाना, जो बनाना है बनाओ। बढ़िया शो हो गया, एक बार स्टैंड अप देखने जरूर आना। लाइव बहुत अलग चीज़ होती है, यूट्यूब वीडियो एक छोटा सा पार्ट होता है, यहाँ जो वाइब है ना वो यूट्यूब पे नहीं है। एक नंबर का शो रहा है और मजे आ गए। अब गुड़गांव चलो फटाफट कुछ खाते हैं। सिर्फ खाते हैं, गुड़गांव तो है ही सेक्टर 29। चलो भाई चले बाबू। शो बहुत ही अमेजिंग रहा। अब हम सारे यहाँ पे आए हैं, कुछ खाते हैं और फिर घर के लिए निकलेंगे। यहाँ की भी अपनी वाइब है तो थोड़ा और इन्जॉय करते हैं। टू अ वेरी अमेजिंग डे। चीयर्स।